हे गाइज, वेलकम बैक टू माई अनदर वीडियो। तो आप सभी का स्वागत है मेरे और एक वीडियो पे। गुड मॉर्निंग, अभी सुबह के बज रहे हैं 12। गुड आफ्टरनून। तो आज हम अपना ब्लॉग किचन से स्टार्ट कर रहे हैं और मेरी मम्मी बना रही है चिंगड़ी मलाई करी। ये देखिए, यहाँ पे बना रही है चिंगड़ी मलाई करी। तो हम आपके साथ आज शेयर करेंगे चिंगड़ी मलाई करी का रेसिपी। और जो जो बंगाली उन लोगों को तो पता ही होगा कैसे बनता है, हम कैसे बनाते हैं आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। तो चलिए देखते हैं मेरी मम्मी कैसे कैसे बना रही है चिंगड़ी मलाई करी। क्या बन रहा है? मंगला बन चिंगड़ी मच्छर मलाई करी। तो चलिए हम आप लोगों को दिखाते हैं। यहाँ हम लोग ज्यादा जन नहीं है, 3 जन है, इसलिए 4 पीस बड़ा वाला गोलदा चिंगड़ी लिए हैं। उसमें मेरी मम्मी कुछ नहीं, बस क्या बोलते हैं, हल्दी और नमक दी है। अब उसको अच्छा से लगा लेगी, मिक्स कर लेगी, आई मीन टू से। ये है छोटा रुई मछली, ये भी बनेगा, हम इसका भी रेसिपी शेयर करेंगे आप लोगों के साथ। ये है छोटा वाला रुई मछली, चारा पोहना बोलते हैं लोग बंगाली में इसको। देखिए, इसमें हल्दी और नमक लगा रही मम्मी। यहाँ पे हो रहा है ये लकड़ी फ्राई, चारा पोहना। यहाँ पे हम बैठ गए हैं नारियल काटने, और ये इतना सारा नारियल हम काट चुके हैं। इससे हम बनाएंगे नारियल का दूध बनाएंगे, मतलब नारियल को पहले ये करेंगे मिक्सी में ग्राइंड करके, उसके बाद उसको दूध निकालेंगे जो भी लगेगा चिमनी मलाई करने में। तो उसके लिए दूध बनाना है नारियल का, तो इसे हम कट कर लिए, अभी हम इसे मिक्सी में पीस लेंगे। तो आगे हम दिखा दें हमें क्या क्या कर दिए। यहाँ पे बन रहा है बंधा गोभी का भुजिया, मतलब बंगाली में घर में एक एक चीज से होता नहीं। यहाँ सब मछली हो चुका है फ्राई, इसमें तेल है, जो तेल बचा हुआ है यहाँ पे, काला जीरा, 5 फोरन, प्याज, यहाँ दे दिए टमाटर, दो खड़ा कर, क्या सा टमाटर, यहाँ दे दिए नमक। इसको थोड़ा देर फ्राई करेंगे, मतलब ऐसे जब तक टमाटर हल्का गल नहीं जाता है। अगर हो रहा है यहाँ दे रहे हैं अदरक लहसुन और मिर्चा का पेस्ट। मैं दे दिया हल्का पानी टमाटर को गलने के लिए। अब इसमें दे दे रहे हैं जीरा और क्या बोलते हैं सरसों, हाँ जीरा और सरसों का पेस्ट बना करके मैं डाल दिए। और इसमें देंगे थोड़ा ज्यादा करके पानी। मछली सब देखिए, फिर ये रुई मछली बन चुका है, बन के रेडी हो चुका है। इसको 2 मिनट में बंद करके ढक देंगे। जो धनिया पत्ता दे दिए वो हम आप लोगों को दिखाने का। तो इधर ये बन चुका, अब हम लोग बनाएंगे चिंगड़ी मच्छर मलाई करी। उसका प्रिपरेशन पूरा हो चुका है, यहाँ हम कढ़ाई में बैठा दिए हैं, गैस का फ्लेम स्लो करके बैठा दिए हैं, इसको आगे प्रोसेस। यहाँ पर हम चिंगड़ी मलाई करी का पेस्ट बनाने के लिए लिए हैं 1 प्याज, 2 मिर्चा, 4-5 लहसुन का कली, और ये रहा काजू, मतलब ज़्यादा नहीं, 4-5 तो काजू दे दे रहे हैं जिसका हम पेस्ट बना लेंगे। यहाँ पे हम नारियल का दूध निकालने के लिए नारियल को ग्राइंडिंग कर रहे हैं। एक गोटा नारियल का आधा लिए हैं क्योंकि 4 पीस चिंगड़ी है, इसीलिए ज़्यादा नहीं।
तो यहाँ पे हम नारियल को बड़ा अच्छे तरह से पेस्ट कर लिया। अब इसका हम इसमें छान लेंगे, देखिए इस तरह इसका दूध पूरा निकाल लेंगे। बने रही हम निकाल के फिर आप लोग चलाते हैं। इसमें अभी हम लोग जब ये जो काठी है उसको घुसाएंगे, होने से क्या होगा कि ये जो चिल्ली माछा फ्राई करते टाइम सिकुड़ेगा नहीं, इससे एकदम स्ट्रेट रहेगा। ये रहा नारियल का दूध, इतना निकालो हम लोग, पानी दे देके पेस्ट वो प्याज और मिर्चा का लहसुन का तेल गर्म हो चुका है, इसमें चिंगड़ी मछ फ्राई कर लेंगे। उलट पलट से ज़्यादा देरी नहीं, 2 मिनट बस इसको फ्राई करेंगे, ज़्यादा देरी नहीं। ये है गरम मसाला जो फोड़न में लगेगा, 1 इलायची, 2 लौंग, 1 दालचीनी, थोड़ा सा शाही जीरा और 1 तेज पत्ता। यहाँ पे इतना फ्राई हो चुका था उसको खा लेंगे, ज़्यादा फ्राई नहीं करना, बोलना 2 मिनट बस निकाल लेंगे। ये अगर अभी इसमें हम वो काठी नहीं लगाते ना तो ये छोटा हो जाता है सब चीज़ पूरे। यहाँ पे तेल दे दिए हैं, सरसों तेल गर्म हो गया, इसमें दे दे रहे फोड़न। हम लोग दे देंगे जो पेस्ट हम लोग बनाए थे उनको, प्याज लहसुन काजू और मिर्चा डाल देंगे। यहाँ पर हम लोग वो मसाला दे चुके हैं पेस्ट। अब इसमें दे दिया हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, ये थोड़ा सा जीरा का पेस्ट मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे ये फ्राई हो चुका है, अब इसमें हम लोग दे रहे हैं नारियल का दूध, हल्का हल्का करके ऐसे दे देके इसको फ्राई करते हैं, मतलब भूनते रहेंगे इसको मसाला को थोड़ा थोड़ा दे देके। अब इसमें तेरा नमक स्वाद अनुसार नमक दिए और इसमें देंगे हल्का सा चीनी, ज़्यादा नहीं। एकदम हल्का सा चीनी, इसको अच्छा से कुछाते रहेंगे, मतलब अच्छा से इसको मिक्स करते रहेंगे। और देंगे इसमें नारियल का दूध, जितना नारियल का दूध है सब डाल देंगे। देखिए ये उबल रहा है अभी, अब थोड़ा देर में हम लोग इसमें चिंगड़ी दे देंगे। अब हम लोग एक बार चिंगड़ी इसमें डालेंगे, इसको हम लोग अभी ढक दिए हैं, 10 मिनट ये ऐसे पकेगा और उसके बाद फिर हम लोग इसको सर्व करेंगे गरम गरम। ये ढक के रख दिए हैं अभी और इसके बाद फिर हमें इसको सर्व करके फिर हम लोग आते हैं खाते हैं कैसा बना है, ठीक है। तो मिलते हैं थोड़ी देर बाद इसको बनने के बाद। ये रहा हम लोग का लंच, चिंगड़ी मलाई करी, रेहू माछ, बंदा गोभी भाजा और सलाद। तो हम लोग अभी लंच करके आ चुके हैं, मैं लंच कर ली हूँ, सब कोई
हम लोग सबको लंच कर लिए, खाना खा के यहाँ पे आके बैठे अभी जो, उसको बहुत ही मस्त ऑसम था चिंगड़ी माछा मलाई करी, बहुत टेस्टी लगा बहुत ज़्यादा। हम लोग अगर मैं हमेशा बनता तो मैं सोची कि आज थोड़ा सा वीडियो शूट कर लेती हूँ, तो वीडियो शूट की। आप लोगों को मेरा ये वीडियो कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताना। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया है तो आप लोग प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को शेयर कीजिएगा, और जो जो न्यू है प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, और मेरा वीडियो का ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। तो और हम अगर आप लोग ऐसे सपोर्ट कीजिएगा तो हम और अच्छा अच्छा वीडियो आप लोगों के लिए लाते रहेंगे, अच्छा अच्छा वीडियो लाएंगे आप लोगों के लिए, नया नया जगह पे जाएंगे, दिखाएंगे हर एक चीज़ दिखाएंगे। तो ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के लिए, तब तक के लिए बाय बाय।